स्टूडेंट वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर टू सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी नो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। यू नो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस इट्स होल आइडिया। होल सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। Here we have some example. First of all we read this group of words. First one is like I cartoons. Second one is in the garden. Students ये दोनों sentence पढ़ के हमें कुछ proper sense जो उसका complete sense हो वो नहीं मिल पाता। डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? क्या ये दो सेंटेंस है उसमें से हमें कोई सेंस कोई समझ मिल पाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस। ये फर्स्ट वाला जो है लाइक आई कार्टून्स उसमें तो कोई भी सेंस हमें नहीं मिल पाता है। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस। सेकेंड वन है उनमें इन द गार्डन थोड़ा बहुत सेंस पता चलता है बट पर्टिकुलरली यानी कि कंप्लीट सेंस उसका पता नहीं चल पा रहा। नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई लाइक कार्टून्स। अगर ऐसा लिखा हो आई लाइक कार्टून्स तो फौरन हमें उसका मीनिंग पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। सेकेंड वन है मीना इज वॉकिंग इन द गार्डन। ये सेंटेंस से भी हमें उसका प्रॉपर सेंस पता चल जाता है। तो जो भी ऐसे वर्ड्स है ग्रुप है उसका जिन वर्ड से हमें उसका पूरा सेंस पता चल जाता है उसको कहते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है वो देखो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वर्ड्स का कोई ऐसा ग्रुप जिसे हमें उसका पूरा सेंस आई मीन वो क्या कहना चाहते वो पता चल जाए तो वो सेंटेंस है। लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल्स। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड देन आई एक्सप्लेन इट। माई अम्ब्रेला From my house, school, a playground, my house। ये थ्री सेंटेंस मैंने जो रीड किए उससे हमें कोई भी सेंस आई मीन उसका कंप्लीट सेंस पता नहीं चल पाता। बट नाउ लुक हियर दैट इज माई अम्ब्रेला। मैं माई अम्ब्रेला की जगह आपको ऐसा कहूँ दैट इज माई अम्ब्रेला। So you can easily say that it is a sentence. From my house, so we can't get any sense from this sentence. My school is far from my house. And उसके बाद है my school has a playground. These three sentences provide us proper sense of this sentence. Show that these three type of words जो group का words है वो क्या है sentence है। Now we have a exercise A. Tick the sentences and cross those which are not। हमें right का tick mark बनाना है जो sentence है उसके सामने और cross की साइन बनानी है कि जो सेंटेंस नहीं है। सो फर्स्ट वन इज सुहाना इज माय बेस्ट फ्रेंड। वी कैन गेट इजीली प्रॉपर सेंस आई मीन वो क्या कहना चाहता है इजीली हमें पता चल जाता है। सो वी पुट हियर राइट मार्क। इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे राइट का मार्क बना देंगे कि ये सेंटेंस है। सेकेंड वन है हैप्पी I am
वेरी टुडे। आपको इसमें कोई भी सेंस क्या कहना चाहता है वो पर्टिकुलरली पता नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे क्रॉस आउट कर देंगे। इसी तरह थर्ड वन है द फोन इज रिंगिंग, फोर्थ वन है इन द मार्केट, फिफ्थ इज नॉट ज्योति नेबर माय, सिक्स बर्ड्स आर सिंगिंग, सेवन सिंगिंग बर्ड्स, एट कॉलिंग इज मदर रोहान, नाइन वॉट इज योर नेम, टेन द डोर इज ओपन। सो ये 10 सेंटेंस में से जो वर्ड्स का ग्रुप है उसमें से हमें कम्प्लीटली उसका सेंस पता चल जाता है तो वो सेंटेंस है, तो उसके सामने आपको राइट का मार्क करना है। और जिससे कोई सेंस पता चलता नहीं है, जो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस आउट। नाउ कम ऑन पेज नंबर 7, हियर सम हिंट्स आर गिवन। अ सेंटेंस begins with a capital letter. Second है, a sentence ends with a full stop. Sentence की starting capital letter से होती है and at the end we put full stop there. For example, the school is closed on Sundays. Starting टी कैपिटल से हुई एंड लास्ट में फुल स्टॉप है, लुक हियर। देन इट कैन एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क व्हेन द सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। जब सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखना है। एग्जाम्पल, What are you doing? So we put here question mark. Why? Because it asks a one type of question. What are you doing? So here is a question mark at the end of the sentence. Now student, we have exercise B. Match the group of words given in the two columns, column A and column 2. 1 Rohan, second में लिखा हुआ है Rina and Veena, third one my grandfather, fourth birds, fifth one my mother. Now look here, column 2. A walk with a stick, B build nets in trees, C cooks good food, D studies in my schools, E are good dancers. Column E में जो भी नेम है वो कॉलम बी में से किससे मैच होते हैं उसको हमें मैच करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाना है जिससे एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो जैसे कि यहाँ पे है रोहन, तो सामने से कौन से कॉलम में वो मैच होगा, ए वाली, बी वाली, सी, डी या ई। तो आपको रीड करके उसका प्रॉपर मीनिंग हो वैसे सेंटेंस बनाने हैं। दिस इज योर होमवर्क।